मथुरा लोकसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी शिखा शर्मा का धीरे धीरे शानदार बढ़ता जा रहा है। शिखा शर्मा आई टक्कर पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जिनका चुनाव चिन्ह कैमरा आज वृंदावन की निवासी हैं। शिखा शर्मा मीडिया से रूबरू होते हुए राहुल शर्मा की रिपोर्ट। दोस्तों आप सब देख रहे हैं प्रदेश खबर चैनल, जैसे कि हमारे साथ जुड़ चुकी है मथुरा लोकसभा की निर्दलीय सांसद प्रत्याशी शिखा शर्मा। शिखा शर्मा जो कि क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में है और हर जगह इनकी दस्तक है, हर जगह इनकी धीरे धीरे प्रचार इनका बढ़ता जा रहा है। शिखा शर्मा जी क्या कहेंगी आप, प्रदेश खबर चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्ते, राधे राधे सभी ब्रजवासियों से। मैं शिखा शर्मा वृंदावन से निर्दलीय प्रत्याशी जिसका चुनाव चिन्ह है कैमरा कैमरा कैमरा। मैं सबसे अपील करना ये चाहती हूँ कि समय बहुत कम है, संघर्ष ज्यादा है, आप सभी ब्रजवासी मेरा साथ दें क्योंकि जिस जगह पर मैं नहीं पहुंच पा रही हूँ आप मेरी विनती समझ के मेरी विनती को स्वीकार करें। आप सब मेरा साथ दीजिए, एक बार अपनी ब्रज की बेटी पर विश्वास कीजिए और कैमरा पर मोहर लगाइए, भारी बहुमत से विजय बनाइए और अपने ब्रज में विकास कराइए। आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या रहेगी चुनाव जीतने के बाद? सबसे पहले मैं जिन गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है वहां पानी पहुंचाऊंगी। सबसे पहले मेरा यही निर्णय सबके लिए पानी पहुंचाना। भाजपा कहती है कि भाजपा की सांसद कहती है, भाजपा के नेता कहते हैं हमने तो सत्रह विकास किया है, हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट देख लीजिए, गंगा प्रोजेक्ट देख लिए, यमुना प्रोजेक्ट देख लिए, आप कितना विकास हम लोगों ने किया है। उनसे ये पूछा जाए कि ज्यादा नहीं तो 20 गांवों के नाम बता दें कि कौन कौन से गांव में उन्होंने विकास किया है। 20 गांव, ओनली 20 गांव। जैसे कि मथुरा लोकसभा का चुनाव तो नजदीक आ चुका है और 26 तारीख को आप ही के क्षेत्र के जिले में वोट डाले जाएंगे, अगर आप चुनाव जीतेंगी तो आप ऐसा क्या काम करके दिखाएंगी, एक काम बताएं, सबसे पहला काम आप क्या करेंगी? सबसे पहले मैं जनता के लिए पानी पहुंचाऊंगी, दूसरा यमुना जी को शुद्धिकरण करवाऊंगी और जो आपके यहाँ पे कभी आपने देखा होगा विद्यालय नहीं है, केंद्र विद्यालय खुलवाऊंगी जहाँ हमारे ग्राम के बच्चे पढ़ सकें। शिखा जी जैसे कि आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपका इतना जोर शोर चल रहा है, आपको इतना जनता का समर्थन मिल रहा है, आपने निर्दलीय लड़ने की क्यों सोचा? अगर आप इसमें किसी पार्टी का सहारा ले लेती तो कैसा रहता? मुझे ये सिखाना है अपनी जनता को कि हम किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं है, हम ब्रज से बंधे हुए हैं, हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, हमें कोई पार्टी बांध नहीं सकती है, हम ब्रजवासी है, सारी दुनिया हमारी दासी है। सारी दुनिया आपकी दासी है, हम ब्रजवासी है, हम गर्व से कहते हैं हम ब्रजवासी है। ब्रजवासी है तो हेमा भी तो कहती है हम भी तो ब्रजवासी हूँ। उनसे ब्रजवासी की स्पेलिंग की पूछ लेना और पूछ लेना ब्रजवासी को सबसे प्रिय क्या होता है, बता दे तो मैं मान जाऊंगी। नहीं वो भी तो कहती है कि वो भी विकास कर रही है, 20 जैसे 14 नालों में से वो 20 नाले तो ऑलरेडी बंद करा देती है। उनका यही तो विकास है, उनको मैथ भी तो अच्छे से आता नहीं, 14 नालों में से 20 उन्होंने बंद करा दी, 4 बाकी है, बताइए कौन सी डिग्री प्राप्त की है उन्होंने, हिंदी बोलना नहीं आता, वो हमारे ब्रजवासी कैसे हो जाएंगे। चलो एक लास्ट और सवाल, क्या अपील करना चाहती हैं आप अपनी जिले की जनता से? मैं अपने मथुरा जिले की समस्त जनता से ये अपील करना चाहती हूँ, अपनी शिखा शर्मा पर एक बार विश्वास करके देखिए, हाथ जोड़ के विनती है, मैं आपके विश्वास पर खड़ी उतरूंगी, ये शिखा शर्मा का प्रण है, यदि मैं ऐसा नहीं कर पाई तो मैं अपने पद से इस्तीफा। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? कैमरा कैमरा कैमरा। कौन से खाने पे आपका चुनाव चिन्ह? 15 नंबर। जनता को एक बार बताएं। मेरी प्यारी ब्रजवासियों, मेरा खाना 15 नंबर पे है, कैमरा चुनाव चिन्ह शिखा शर्मा निर्दलीय प्रत्याशी वृंदावन से। आप सब देख रहे हैं प्रदेश खबर चैनल, शिखा शर्मा ने बताया मेरा चुनाव चिन्ह है कैमरा, आने वाली 26 तारीख को शिखा शर्मा को कैमरे पे बटन दबाना है। प्रदेश खबर चैनल के माध्यम से कैमरामैन सुरेश के साथ राहुल शर्मा वृंदावन।